हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आपने यूट्यूब पर पोल्ट्री के वीडियो देखे, पोल्ट्री में कितना प्रॉफिट होता है, पोल्ट्री किस तरीके से की जाती है, आपको पोल्ट्री का प्रॉफिट ठीक ठाक लगा, आप पोल्ट्री फार्मर से अपने एरिया के जाकर मिले, उनसे बातचीत की, अभी आपका मन हो रहा है कि मुझे पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करनी है और चार पैसे कमाना है। ऐसे में अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आपके मन में यही सवाल घूम रहा होगा, क्या मुझे ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, देसी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए या फिर अंडा पर्पज के लिए लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए। मेरे पास कुछ पैसों की अरेंजमेंट है, मेरा पैसा लगाओ तो लगाओ कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करूँ तो करूँ कहाँ पे, कौन से फैकल्टी में, कौन से फैक्टर में मुर्गियों के पैसा लगाने के बाद कम से कम समय में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। बस मुझे 5 से लेकर 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा के आपको गारंटेड बताने वाला। वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। पोल्ट्री फार्मिंग में हमें अगर काम करना है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ब्रॉयलर, देसी मुर्गियां और अंडा देने वाली लेयर मुर्गियां, ठीक है। तो उनसे भी फार्मिंग आप क्यों ना करें, लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आपका खुद का शेड है या फिर नहीं है, है तो कम कैपेसिटी वाला है या फिर ज्यादा कैपेसिटी वाला है, और उसके बाद तीसरा सवाल आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कम है या फिर ज्यादा है। यही 2-3 चीजों पर ही आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या आपको ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, देसी की करनी चाहिए या फिर अंडा पर्पज वाली लेयर मुर्गी की करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आपके पास खुद का शेड है और आपके पास बहुत बड़ा शेड है, ज्यादा स्क्वायर फीट वाला शेड है और आपके पास कम से कम 15-20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग या फिर प्राइवेट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग या फिर अंडा पर्पज वाली जो केज सिस्टम में कमर्शियल ब्रीड्स हम पालते हैं, BB300 हो, RIR हो या फिर ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो या फिर BB380 हो, इन जैसी मुर्गियों की अंडा पर्पज की फार्मिंग के साथ साथ आप ब्रॉयलर की फार्मिंग भी कर सकते हो। डिटेल में समझाकर बताऊंगा, वीडियो के साथ चलते बनिएगा। देखें, आपको बता दूं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप ब्रॉयलर की कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में आपको लगता है कि पैसा कम है तो उसके बाद आप अपने पैसे, अगर आपका खुद का शेड है बड़ा और आपके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हो, बशर्ते मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से ही आपको कंपनी का फीड नहीं लेना है, फीड फॉर्मुलेशन किसी डॉक्टर से या फिर किसी भाई से लीजिए और खुद का फीड खुद के फॉर्म पर बनाइए, खुद की फीड मिल लगवा कर गारंटेड आप 4,000-5,000-6,000 बच्चे अगर डलवाते हो तो गारंटेड आप एक अच्छा पैसा कमा लेते हो। थोड़ा सा ध्यान देकर बैच डालिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट पूर्वक फीडिंग मैनेजमेंट कीजिए, फीड की कॉस्ट कम करने के तरफ फोकस रखिएगा। गारंटेड अगर आप बड़े बैच डालोगे, ठीक है, तो 101% आप डॉलर के पीछे पैसा कमाओगे। उसके बाद अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम है या फिर बहुत ही इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आपका खुद का शेड छोटा स्क्वायर फीट का है, कम स्क्वायर फीट का है, या फिर अगर आप रेंट से पोल्ट्री फार्म पर से शुरुआत करना चाहते हो तो ऐसे में देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग होता है वहां से भी शुरुआत कर सकते हो, साथ ही साथ कम पैसे में 40,000-50,000 या फिर 30,000 वगैरह लगा के बहुत ही लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्म अपने जगह पर बनवा कर भी 300 से लेकर 500 मुर्गियों से देसी मुर्गी की शुरुआत कर सकते हो। देसी मुर्गियों को अगर अच्छे से किया जाए, जो भी हमारी मुर्गियां तैयार होती है उनको रिटेल में अच्छे दामों में बेचा जाए तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, खुद का शेड नहीं है, या फिर अगर आप रेंट से पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो, या फिर खुद का शेड है लेकिन कम स्क्वायर फीट वाला है, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट का आपका शेड है,
तो आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग ही करनी चाहिए। देसी पोल्ट्री फार्मिंग में चाहे तो आप ओरिजिनल गावरान की फार्मिंग या फिर शौकिया तौर पर जो असल की मुर्गियां पाली जाती उनके बच्चे काफी महंगे दामों में बेचते उसकी फार्मिंग कर सकते हो, या फिर आप सोनाली की फार्मिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोनाली में ही अगर अंडा पर्पज के लिए काम करना चाहते हो, लेयर करके काम करना चाहते हो, अंडा का बिजनेस करना चाहते हो, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मात्र 400 मुर्गियां अगर आप सोनाली की रखते हो तो आपको पर डे के 200 अंडे मिलते हैं। सितंबर से लेकर फरवरी तक के अंडों की इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि आपका अंडा पूरा का पूरा बिक जाएगा। 400 मुर्गियों में 200 अंडे आपको मिले, पर एक अंडे पर अगर आप 4 रुपए भी कमा लेते हो तो 200 अंडों के पीछे आप 800 रुपया प्रतिदिन का कमा लोगे, खाना खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी और सब खर्चा छोड़ के। तो काफी अच्छी इनकम कम इन्वेस्टमेंट में की जा सकती है। मर्जी आपकी है, कम इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए। देसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी आप कड़कनाथ, सोनाली, ओरिजिनल गावरान और असल की मुर्गियां पाल सकते हो। अंडा पर्पज के लिए आप सोनाली की मुर्गियां पालकर बिजनेस को शुरू कीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, केज सिस्टम में आप कमर्शियल ब्रीड्स जैसे कि BV300, BV380, रोड आइसलैंड रेड RIR और ब्लैक एस्टॉप जैसी मुर्गियां पाल सकते हो। और थोड़ा सा होलसेल में अंडा का रेट आपको कम मिलेगा, लेकिन इसका भी अंडा मार्केट में काफी अच्छे से बिक जाता है, इसकी भी आप काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट लगा के पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो कि मुझे पता है बहुत सारे हमारे 70% जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके पास थोड़े से इन्वेस्टमेंट कम होती हैं, तो मैं एकदम ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है इस बात को लेकर नहीं चलता हूँ। मैं फोकस करता हूँ कि आपके पास 50,000 से लेकर 2,00,000 तक की इन्वेस्टमेंट है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में आप कड़कनाथ, ओरिजिनल गावरान या फिर सोनाली मुर्गी को फ्री रेंज सिस्टम में अंडा पर्पज के लिए रखिएगा। सोनाली की जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्लान बता दिया कि सोनाली में आप 1.5-2 लाख में 400-500 मुर्गियां रख के काफी अच्छा पैसा कमा लेते हो। कड़कनाथ की अगर मैं बात करता हूँ, कड़कनाथ की मुर्गियां अगर आप अंडा पर्पज के लिए रखते हो तो कड़कनाथ की मुर्गियों को आप रखते हो तो साथ ही में आपको 400-500 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर भी ले लेना है। कुछ अंडे आपको अच्छे दामों में 25-30 रुपए के रेट में मार्केट में कड़कनाथ की वैल्यू बताकर बेचना है। बाकी बचे वाले जो अंडे होते हैं उनका आपको हैच लगाना है, और हैच लगाकर उसको बच्चे को 40-50-55 रुपए आपके एरिया में जो भी रेट चलता है उस रेट में आपको बच्चे बेचने हैं। ओरिजिनल गावरान की भी बात वही चलती है दोस्तों, ओरिजिनल गावरान का बच्चा भी काफी महंगा बिकता है, चाहे तो फिर आप 15-20 रुपए में उसका अंडा बेचिए क्योंकि आपका ओरिजिनल गावरान का वो अंडा है, या फिर अंडों से बच्चा निकाल कर बेचिए, लेकिन उसके लिए आपके पास 400 से लेकर 500 कैपेसिटी की हैचिंग छोटी वाली मशीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके मन मुताबिक रेट में अगर आपका अंडा नहीं बिकता है, जो कि कड़कनाथ और ओरिजिनल गावरान के अंडे मुर्गियां कम देती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो अगर आपके मन मुताबिक आपका आपको रेट नहीं मिलता अंडों का तो आप उस अंडों से बच्चा निकाल कर ही बेचिए, बहुत ही अच्छा पैसा आपको मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको आपका बिजनेस प्लान शुरू करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपका बिजनेस शुरू होने के बाद आपको भगवान बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे। मेरे तरफ से कोई भी अगर मदद आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर से आपको उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई भी सवाल अगर आपके मन में तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह का पोर्ट्रेट का नया वीडियो लेकर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।